Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Here we are going to discuss about class 7th maths chapter 5 lines and angles. आज हम इस वीडियो में lines and angles chapter के कुछ basic concept discuss करेंगे, जिसमें कुछ basic concepts आप previous class में already study करके आए हो. First of all, we are going to discuss about types of angles, जिसमें first है हमारे पास acute angle. एक्यूट एंगल वो एंगल होते हैं जिनकी मेजरमेंट जो होती है वो 0 degree से ग्रेटर होती है एंड 90 degree से लेस होती है. मींस के वो एंगल 0 degree 90 degree के बीच बीच में होते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास ऑब्ट्यूस एंगल. ऑब्ट्यूस एंगल वो वाले एंगल्स होते हैं जिनकी मेजरमेंट 90 degree से ग्रेटर होती है एंड 180 degree से लेस होती है. नेक्स्ट हमारे पास हैं रिफ्लेक्स एंगल. रिफ्लेक्स एंगल वो वाले एंगल्स होते हैं जिनकी मेजरमेंट 180 degree से ज़्यादा होती है एंड 360 degree से लेस होती है, उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल. नेक्स्ट हमारे पास है राइट एंगल. राइट एंगल वो है जिसकी पर्टिकुलरली मेजरमेंट जो होती है वो 90 degree होगी. 90 degree वाले एंगल को हम बोलते हैं राइट एंगल. नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रेट एंगल. स्ट्रेट एंगल वो जिस एंगल की मेजरमेंट हमारे पास क्या होगी 180 degree. मीन्स के वो जो दोनों लाइन सेगमेंट से जिससे मिलके हमारा जो एंगल बनेगा वो हमारा एंगल क्या होगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे बनेगा. दोनों जो लाइंस होंगी वो एक दूसरे के ऑपोजिट होंगी और उस पर जो एंगल होगा वो 180 degree का होगा. नेक्स्ट हमारे पास जो है दैट इज़ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, जो कि हमारा इस क्लास का बेसिक न्यू कंसेप्ट है. बाकी तो हम ऑलरेडी 6th क्लास में डिस्कस करके आए हैं. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? वो टू एंगल्स जिनका सम जो है हुज सम इज 90 degree, वो वाले दो एंगल जिनको अगर हम सम करेंगे तो वो क्या होंगे हमारे पास 90 degree होगा, तो उसको हम बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया, एक एंगल है हमारे पास 50 degree एंड नेक्स्ट हमारे पास सेकंड एंगल है 40 degree. जब हम 50 degree एंड 40 degree को प्लस करेंगे तो इसका आंसर क्या आया हमारे पास 90 degree. तो वो वाले दोनों एंगल्स जिनका प्लस करके हमें 90 degree आता है हमारा आंसर, तो वो वाले एंगल्स को हम बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. एंड नेक्स्ट हमारे पास है सप्लीमेंट्री एंगल. सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से एंगल हैं? वो टू एंगल्स हुज सम इज 180 degree, वो वाले दो एंगल जिनका अगर हम सम करेंगे वो हमारे पास आएगा 180 degree, उसको हम बोलेंगे सप्लीमेंट्री एंगल. जैसे हमारे पास यहाँ पे है 110 degree, नेक्स्ट हमारे पास है 70 degree. जब हम 110 degree एंड 70 degree को प्लस करेंगे तो हमारे पास बनता है 180 degree, तो इसको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स. जैसे अगर हमें 110 degree दिया हो और हमें पूछा जाए कि आप इसका सप्लीमेंट्री एंगल निकालो, सप्लीमेंट्री मींस एक ऐसा एंगल जिसको जब हम इसमें ऐड करेंगे तो हमारा आंसर 180 degree आना चाहिए, तो वो एंगल जो है इसका सप्लीमेंट होगा. सिमिलरली 50 degree अगर हमें गिवन है तो हमें पूछा जाए कि आप 50 degree का कॉम्प्लीमेंट निकालो, मींस एक ऐसा एंगल फाइंड आउट करो जिसको जब आप 50 degree में प्लस करोगे ऐड करोगे तो आपका आंसर 90 degree आना चाहिए, तो उसको हम बोलेंगे कि वो वाला एंगल जो है वो 50 degree का कॉम्प्लीमेंट एंगल है. आज इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे. थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.